हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर फिटनेस चैनल अज़रा खान फिटनेस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3 स्टेप्स का डिटॉक्स बताया था, जिसमें मैंने मेंशन किया था कि एक ग्रीन जूस आपको इनकॉर्पोरेट करना है हर रोज उन 3 दिनों में जब आप अपना डिटॉक्स फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं इसके बाद के वीडियो में आपके लिए ग्रीन जूस की रेसिपी लेके आऊंगी। इसीलिए ये वीडियो है आज का, जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ग्रीन जूस की रेसिपी, हाईली इफेक्टिव इन योर वेट लॉस। सिर्फ उस 3 दिन के क्लेंस में ही नहीं, आप रोज अपने डाइट में उस ग्रीन जूस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अमेजिंग बेनिफिट्स है, नॉट जस्ट इन योर वेट लॉस, आपका इंच लॉस होगा। अगर आप कॉन्स्टिपेशन का इशू है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू है तो आपका कॉन्स्टिपेशन भी खत्म होगा। सो गाइज, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अज़रा खान फिटनेस, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन टू लूज वेट विदाउट बर्निंग अ होल इन योर पॉकेट। आई एम अ सर्टिफाइड डाइट कंसल्टेंट एज वेल, सो अगर आपको पर्सनल वन ऑन वन सेशन लेना है मेरे साथ, देन मेल मी ऑन दिस आईडी। आज के वीडियो में मैं आपके साथ जिस ग्रीन जूस की रेसिपी शेयर करूंगी, उस ग्रीन जूस को आपको रोज लेना है अगर आप वो डिटॉक्स क्लेंस फॉलो कर रहे हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में रिकमेंड किया था। अदरवाइज ऑल्सो अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में है, हेल्थ जर्नी पे है, किसी भी जर्नी पे है, ये ग्रीन जूस आपके लिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। आप लैक्टेटिंग मदर है तो भी आप इसको कंज्यूम कर सकती हैं। आपको थायराइड है, आपको डायबिटीज है, आपको कोलेस्ट्रॉल है, पीसीओडी है, कुछ भी है दिक्कत, अगर हेल्थ इश्यूज अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव है, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। तो चलिए देख लेते हैं ये जूस कैसे बना। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ पॉइंट्स जिसको ध्यान में रखिए व्हाइल हैविंग दिस जूस। लेट्स बिगिन। सो ये है 1 कप घिया, यानी कि लौकी या बॉटल गार्ड, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से इट। एंड ये बहुत अच्छा होता है अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू है, आपकी ब्लोटिंग को कम करने के लिए, इंच लॉस में भी इट इज़ अमेजिंग। सो या दिस इज द की इंग्रेडिएंट। द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज अ पिंच ऑफ जिंजर। बहुत थोड़ा सा जिंजर यूज किया गया है, बट इट इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म और आपका अगेन फैट बर्निंग प्रोसेस को भी स्पीड अप करेगा। सो दीज आर द ओनली इंग्रेडिएंट्स अपार्ट फ्रॉम वाटर जो हम लोग को जरूरत पड़ेगी इस सिंपल से ग्रीन जूस रेसिपी में, जिसके इफेक्ट्स बहुत ही अच्छे और अमेजिंग है। और इसको आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा फ्रेश बनाना है, ऐसा नहीं कि रात को बना के रख दिया और सुबह पिया। इट इज ऑलवेज, इट शुड बी ऑलवेज फ्रेश। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द जूसिंग। एक हम लोग ग्राइंडर में अपना लौकी डालेंगे सारा, एंड उसके बाद हम लोग डालेंगे ये पिंच ऑफ हमारा जिंजर। एंड देन जूस बनाने के लिए, बिकॉज लौकी में वैसे भी बहुत ज़्यादा पानी होता है तो इट विल लीव इट, बट फिर भी हम लोग इस मेजरिंग कप का 1 कप पानी डालेंगे। एंड देन वी हैव टू ब्लेंड इट, एंड उसके बाद हम इसका जूस निकालेंगे। सो गाइस, ग्राइंडिंग के बाद इसका ये पल्प हम लोग निकाल देंगे एंड सारा जूस जो है वो निकल के इसमें आ जाएगा। एंड दिस इज हाउ योर जूस विल लुक लाइक। ये पूरा क्लियर है, इसमें एक लेमन का हाफ लेमन आप डाल सकते हो। एंड या दिस इज द मॉर्निंग जूस, फैट कटर जूस, अमेजिंग। ये पल्प आपको कंज्यूम नहीं करना है, इसको स्ट्रेन आउट कर लेना है। दिस वॉज आर ग्रीन जूस रेसिपी, सुपर इजी टू प्रिपेयर। आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर भी कंज्यूम कर सकते हैं, पर अगर आप चाहे तो इसको फ्रिज में रख के इसको ठंडा भी पी सकते हैं। अभी का मौसम जिस तरीके का है, मैं रिकमेंड करूंगी आप नॉर्मली ही इसको लें विदाउट एडिंग एनी सॉल्ट, एनी लेमन, नथिंग, कुछ ऐड नहीं करना, एज इट इज ही आपको इसको कंज्यूम करना है। अगर आप लगातार इसको कंज्यूम करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन का इशू है तो ये जूस आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। उसके अलावा अगर आपका फैट लॉस रुक गया है, डेफिनेटली आप इस जूस को इनकॉर्पोरेट करें अपने डाइट में और आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप इंटरमीडिएंट फास्टिंग फॉलो कर रहे हैं तो फास्टिंग विंडो में भी इस जूस को आप जरूर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अगर आप कीटोजेनिक डाइट पे हैं तो भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बाकी मैंने मेडिकल इश्यूज के बारे में पहले ही डिस्कस कर लिया कि आप कोई भी मेडिकल इशू हो आपको, आप ये डिटॉक्स ड्रिंक कंज्यूम कर सकते हैं। मुझे ये पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। इसका टेस्ट एक्चुअली इसमें इतना खास कोई टेस्ट नहीं है, तो डेफिनेटली आप पी सकते हैं विदाउट फीलिंग एनीथिंग। सो या गाइज, विद दैट आई कम टू द एंड। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर पसंद आया तो गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब करें बिना मत जाना मेरे चैनल को, सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो रिगार्डिंग हेल्थ एंड फिटनेस एंड वेट लॉस यू गेट नोटिफाइड। आई सी यू गाइस सुपर सून माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन स्टे फिट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। गुड बाय।